राजेश शर्मा जी हैं, तो कुछ 2 मिनट ये स्वागत कर लेंगे, उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करेंगे। एक बार स्वागत हम लोग कर लेते हैं माननीय अध्यक्ष जी का, तो अपने कुछ लोग आए हुए हैं। इधर देखिए, इधर हाथ लगा के, हाथ लगा लीजिए, एक एक ऊपर खींच। ओके। द्वारा आयोजित इस प्रेस वार्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ में जन अधिकार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेश शर्मा जी आपके बीच में, हमारे साथ अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री सुनील कुमार जी, राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री श्री वीरेश त्यागी जी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार जी और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री संजीव राणा जी। आज की जो प्रेस वार्ता है वो संत राम रहीम जी के मुद्दे को लेकर। आप सभी को पता है कि इस देश में लगातार संतों के साथ अत्याचार हो रहा है, संतों के साथ अन्याय हो रहा है, उनको झूठे मुकदमे बनाकर, मनगढ़ंत मुकदमे बनाकर उनको फंसा दिया जाता है और जेल में बंद कर दिया जाता है। इसी सिलसिले में कई संतों के साथ इस तरह का षड्यंत्र हुआ और इसी षड्यंत्र के शिकार हुए डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत राम रहीम जी, उनको भी कई मुकदमों में फंसा दिया गया और उनको जेल में बंद कर दिया गया। अभी उनका मामला ऊपरी अदालत में लंबित है, इसलिए चूंकि ये उनके मुकदमे पर जो निर्णय है वह अभी अंतिम नहीं है, इसलिए हम उसको चुनौती देते हैं और हम कहते हैं कि ये मुकदमा जितने भी लगाए गए हैं उनके ऊपर वो सभी मनगढ़ंत हैं और वो दोषी नहीं है। और मुझे हम लोगों को उम्मीद है कि आगे सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट तक तो उसमें बड़ी हो जाएगी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लगातार संतों के साथ अत्याचार हो रहा है, चाहे प्रशासन हो, चाहे सरकार हो, चाहे न्यायपालिका हो, सब के सब मिलकर के षड्यंत्र रचता है और हिंदू संतों को अपराधी घोषित करके उनको बंद करा दिया जाता है। संत राम रहीम जी 134 तरह की सेवा कर रहे थे, लगातार उनके द्वारा शहरों की सफाई का काम, वृक्षारोपण का कार्य, शिक्षा का कार्य, चिकित्सा का कार्य, गरीबों की सहायता का कार्य, अंग दान देना, ब्लड डोनेशन करना, इस तरह से 134 तरह के सामाजिक कार्य उनके द्वारा किया जाता था और उसमें से कई ऐसे कार्य थे जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड उसका था। 8 घंटे में उन्होंने जितना ब्लड डोनेट कराया इसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। आप देख रहे होंगे कि कभी कभी आपने अचानक देखा कि आज शहर की सफाई पूरी तरह से शहर एकदम स्वच्छ हो गया, तो ये राम रहीम की संस्था के द्वारा किया जाता था। अब उनको षड्यंत्र के तहत बंद कर दिया गया। उनके जो भक्त हैं, डेरा सच्चा सौदा जो संगठन है वह सब सामाजिक कार्यों को कर रहा है लेकिन बिना नेतृत्व के कार्य सुचारू रूप से नहीं चलता। इसलिए अखिल भारत हिंदू महासभा इसका कड़ा विरोध करती है और हम भारत सरकार से मांग करते हैं, न्यायपालिका से मांग करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि संत राम रहीम जी की रिहाई शीघ्र की जाए।
और अगर उनकी रिहाई नहीं की जाएगी तो अखिल भारत हिंदू महासभा, जन अधिकार मोर्चा और संत राम रहीम जी के करोड़ों भक्तों के साथ मिलकर के राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन करेंगे। हम जगह जगह पर धरना प्रदर्शन करेंगे, रैली करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, पत्रकार बंधुओं को जागरूक करेंगे। पत्रकार बंधुओं के द्वारा हम जनता को, जनता के सामने सच्चाई उजागर करेंगे और हम लगातार प्रयासरत रहेंगे कि संत राम रहीम जी को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। और जो उनकी रिहाई के लिए जो आंदोलन चल रहा है पहले से, उसका अखिल भारत हिंदू महासभा पूरा समर्थन करती है। हमारा समर्थन जारी रहेगा, हम पहले भी समर्थन करते रहे हैं। किसी भी संत के साथ कभी कोई षड्यंत्र हुआ, हिंदू महासभा ने उसका डट करके विरोध किया है। हम सभी संतों के साथ रहे हैं, राम रहीम जी, आसाराम जी बापू, संत रामपाल और जो भी साधु संतों के साथ अत्याचार हुआ है, उनको गलत फंसाया गया है। अखिल भारत हिंदू महासभा उनके साथ डट करके खड़ा होने के लिए हमेशा तैयार है। तो अखिल भारत हिंदू महासभा उनकी रिहाई के लिए चल रहे आंदोलन, जागरूकता अभियान का समर्थन करती है और हम लगातार उसका समर्थन करते रहे। राजेश शर्मा जी हैं, वो आपको अपनी बात बताएं। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से जो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के द्वारा एक समर्थन संत राम रहीम जी की रिहाई को लेकर के जो आंदोलन हो रहा है उसमें दिया गया, तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्राध्यक्ष हमारे बड़े भाई मुन्नालाल शर्मा जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्री सुनील कुमार जी, कार्यालय प्रभारी जो यहाँ पर उपस्थित हैं वृष त्यागी जी, अशोक कुमार जी, संजीव जी, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद और आभार कि जो जन अधिकार मोर्चा पिछले काफ़ी वर्षों से संत राम रहीम जी की रिहाई को लेकर एक आंदोलन, एक मुहिम चला रहा है। संत राम रहीम जिन्होंने 134 मानवता भलाई कार्यों के जरिए, चाहे वह गरीब लड़कियों की शादी कराना हो, गरीब परिवारों को मकान बनाकर देना हो या गरीब परिवारों का निःशुल्क इलाज कराना हो, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पौधारोपण या भारतीय सेना को प्रत्येक महीने ब्लड देना, अनाथ नवजात बच्चों को अपनाना और उनको बाप का नाम देना, अगर ऐसे कार्य किए तो वो संत राम रहीम जी ने किए। और जो आज तक शायद हम समझते हैं कि दुनिया में किसी भी के द्वारा ये कार्य नहीं किया गया, वेश्यावृत्ति में जो लिप्त लड़कियाँ रहीं, जो लड़कियाँ वेश्यावृत्ति में लिप्त रहीं, उनको पुनः समाज की मुख्य धारा में लाना और उनको बाप का नाम देना, अगर ऐसे कार्य किए हैं तो संत राम रहीम जी के द्वारा किए गए हैं। परंतु आज हमारा ये दुर्भाग्य है कि 134 मानवता भलाई कार्यों के जरिए जो समाज को एक सुधारने का कार्य सनातन धर्म, हिंदू धर्म के लिए निरंतर कार्य संत राम रहीम जी कर रहे थे, वो आज संत राम रहीम जी जेल में हैं। और माननीय 542 सांसदों में से 233 सांसद जिन पर हत्या, अपहरण, बलात्कार के आरोप लगे हुए हैं, आज वो संसद में बैठे हुए हैं। जिसको लेकर जन अधिकार मोर्चा पिछले काफी समय से सरकार से यह मांग कर रहा है कि संत राम रहीम जी के द्वारा जो 134 मानवता भलाई कार्य किए गए हैं, और क्योंकि मामला भी जो फैसला आया वो निचली अदालत का था, मामला भी हाई कोर्ट में है, तो उनको रिहा किया जाए और जब तक उनकी रिहाई नहीं होगी यह आंदोलन जारी रहेगा। कौन सा हाई कोर्ट में? जी मामला भी हाई कोर्ट में है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट मामला है। जी तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जो सुनानी जो हुआ है जी, उसमें आपका जो लीगल सेल जो है जी, वो लीगल सेल मतलब कहाँ तक पहुँचे जो मतलब इनको रिहाई के लिए जो ये? देखिए अभी मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, उसी क्या स्थिति है वह अभी एक्सेप्ट नहीं हुई है याचिका जी। तो कहाँ तक मतलब ये स्टेप बाय स्टेप जा रहा है ना, तो
मतलब रिहाई के लिए आप लोगों ने जो मतलब बोल रहे हैं जी, तो वो हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार 134 मानवता वाले कार्य को देखते हुए संतराम रेंज को भी रिहा करे, क्योंकि मामला हाईकोर्ट में है अभी। स्टेट गवर्नमेंट किसी भी पूछ ले, सेंट्रल गवर्नमेंट इतने दिन बाद क्यों जी रहे? कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। राम रहीम की रिहाई के लिए इस समय क्यों आप चुन रखे हैं कि इनको रिहा किया जाए, पहले क्यों नहीं किया? नहीं देखिए, ऐसा नहीं है, जो आंदोलन की तैयारी थी पिछले दो वर्षों से हम लोग कर रहे हैं। दो वर्षों से कभी कुछ प्रोटेस्ट या कुछ हुआ उसके बारे में बताएंगे? लगातार हम लोग देखिए, जो ये आंदोलन है ये संत समाज के नेतृत्व में चल रहा है और लगातार संत समाज के द्वारा संपर्क अभियान एक चला अपना, और काफ़ी संत समाज इसमें समर्थन में आया, और जिस ये सब आंदोलन की ही एक तैयारी है और जिसकी भूमिका पिछले दो वर्ष से बन रही है। तो आप इस समय सांसद के ऊपर लांछन लगा रहे हैं कि इनके कैरेक्टर को लेकर के इनको भी गिरफ्तार किया है जी, तो आप उस पर क्या कम्प्रोमाइज करना चाहते हैं? नहीं, हम लोग कम्प्रोमाइज, अगर संत राम रहीम जी दोषी हैं, आज हमारे देश के अंदर 134 मानवता भलाई कार्य करने वाले संत दोषी हैं, तो जो मान्य संसद में बैठे हुए हैं उनको जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा? वो संसद में क्यों बैठे हुए हैं जिन पर हत्या, अपहरण, यहाँ तक कि 17 सांसदों पर महिला संबंधी दुष्कर्म के आरोप लगे हुए हैं। आपको पता होना चाहिए, जब भी नॉमिनेशन होती है एफिडेविट देते हैं, सबको इन्फॉर्म करते हैं कि इस केस में इनका शामिल है, ठीक है, कैंडिडेट, उसके बाद वो चुनाव में शामिल होते हैं। फिर इस समय आप जो है इलेक्शन पीरियड में जो राम रहीम का मुद्दा उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 2 साल पहले से हो रहा है जी, कहीं जमीनी पे दिखाई नहीं दिया, और इस समय आप हिंदू महासभा में कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि जैसे कई सांसद और विधायक हैं जिन पर की हत्या, अपहरण, विभिन्न प्रकार के कई मुकदमे हैं और वो अभी बेल पर है, तो क्या उस तरह से बेल तो राम रहीम जी को भी मिलना चाहिए? तो आशा राम जी को भी तो मिलना चाहिए, ऐसे तो कई हैं, रामपाल भी हैं। देखिए, अगर ये सुप्रीम कोर्ट से किसी को सजा हो जाती है तो निश्चित रूप से वो तो जेल में रहेगा, वो सजा काटेगा, लेकिन जब उनका मुकदमा अभी लंबित है ऊपरी अदालतों में, तो जिस तरह से सांसद और विधायक बेल पर छूटे हुए हैं, इनको भी बेल मिले और निष्पक्ष जांच हो, अगर ये निर्दोष हैं तो इनको छोड़ा जाए, इनको मुक्त किया जाए। तो आपको लग रहा है कि ये कहीं दो तरह षड्यंत्र का शिकार हैं, ये राजनीति के शिकार बन रहे हैं? तरह से राजनीति के शिकार। किसके ऊपर आरोप लगाएंगे? जितनी भी राजनीतिक पार्टियां सभी इनका इस्तेमाल भी करती रही और फिर इनके साथ विश्वासघात भी करती रही। तो इस समय आपकी सरकार है, फिर आप उनसे क्यों नहीं डायरेक्ट बात करते हैं? नहीं देखिए, सरकार तो सरकार होता है, सरकार किसी की नहीं होती, वो अपने स्टाइल से चलता है। तो हमारा तो ये संघर्ष, चाहे कोई भी सरकार हो, सभी सरकारों के खिलाफ है हमारा ये जो है आंदोलन, वो राम रहीम जी की रिहाई को लेकर के है। तो आप उनकी रिहाई चाह रहे या उनको उस पर छुटवाना चाह रहे बेल? हाँ, रिहाई चाहते हैं। रिहाई कैसे हो जाएगी जब कोर्ट में केस है, वो चल ही रहा, कुछ क्लियर तो हुआ नहीं, तो रिहाई कैसे हो पाएगी? देखिए, रिहाई तो होगा जब कोर्ट से खत्म हो जाएगा मामला सुप्रीम कोर्ट तक, या तो फाइनल तभी होगा जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाता है। इनको बेल क्यों नहीं मिलता? और अगर झूठे मुकदमे हैं उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, जैसे राम रहीम की मुद्दा इस समय उठा रहे हैं कि उनको बेल दिया जाए, आसाराम बापू भी तो इसी केस में बंद है, उनके लिए भी आपको उठाएंगे आवाज? लगातार करते रहे आंदोलन। इसी प्रकार रामपाल भी हैं जो इस मुद्दे में हैं। हम लोग अखिल भारत हिंदू महासभा, सभी संतों के, किसी भी संत के साथ कोई अन्याय होता है उसकी लड़ाई हिंदू महासभा लड़ती है। हम आसाराम बापू जी की भी लड़ाई लड़े हैं, हम जितने भी संत हैं जिनको जेल में बंद किया गया, झूठे मुकदमे डाले गए, उन सबके हम लोग ये साथ हैं। काली चरण जी पर मुकदमा झूठा किया गया, उनके साथ हम लोग हैं। अगर कोई ये बता दिया, कुछ अपनी बात बोल दिया, तो इसका मतलब थोड़ा है कि आप सबसे आपको आसान कोई संत नजर आ रहा है उसको जेल में बंद कर दीजिए। अगर नेता है तो कोई पुलिस छूने की हिम्मत नहीं करेगी, और अगर कोई संत है तो सबसे सस्ता है, सबसे कमजोर है, उसको बंद कर दो। मेरे को ये जानना जरूरी है, आपने ये नहीं पूछा जो बेल क्यों नहीं दिया जा रहा काफी दिनों से, लंबा समय तक तो ये सरकार बताएगी।